संभावनाएं खराब नहीं है। यद्यपि बालू का भंडारण अधिक है तो किसानों को भाव अच्छा मिल सकता है, तो क्या लगना सरकार को इस तरीके इस दिशा पे काम करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर, मैं हूँ आपके साथ राजीव। आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी किसान है, और किसान भी है, महाराज जी भी है, सरकार पे भी चर्चा होगी और आलू के भविष्य पे भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है समाज की नजर पे, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। उसे हमें गिरिजा शंकर शुक्ला के नाम से जाना जाता है, और वृंदावन में हमको कन्नौज बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। कन्नौज बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ अपना जीवन काटा है। अब करीब 76-77 साल की अवस्था हो गई है, और सामान्य जीवन रहा है, सामान्य परिवार से रहे और सुखमय जीवन रहा है। कोई अच्छा ये बताइए, अपनी आपके अगर खेती की बात की जाए तो लगभग कितना आलू पैदा करते होंगे? 1200। तो आपने कई वर्ष देखे होंगे आलू में उठक पटक ऊपर नीचे, तो क्या लग रहा है इस साल की पोजीशन में, क्या किसानों को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, क्या उम्मीद लग रही है? देखो हम लोग तो जब क्योंकि अध्यात्मवादी विचारधारा में आ गए तो संसार से बिल्कुल उल्टी सोच आ जाती है। जो संसार का हम केवल प्रभु पे विश्वास करते हैं, हमारा प्रभु जो करेगा वही होगा, हमारे प्रभु की जो अब जो को अब जैसे बाढ़ आ गई है, अब बारिश हो रही है, तो प्रभु की तो रचना है ना कि मानव की रचना। प्रकृति प्रदत्त जो काम है वो सब अपने आप बदलते रहते हैं, ऐसे जैसे ये सरकारें बदलती रहती हैं। हम तो इसको अब लोग कहते हैं मानव जीवन के द्वारा, ये हम सोचते हैं हमारी प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। क्या उम्मीद लगती है कि इस बार प्रकृति के द्वारा क्या कुछ लग रहा है कि इस साल? संभावनाएं अच्छी हैं, संभावनाएं खराब नहीं है। यद्यपि आलू का भंडारण अधिक है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ होने के उपरांत भी स्थिति नाजुक होने की संभावना कम है। सरकार पे बात करना चाहेंगे, जैसा कि कई किसानों ने कहा कि अगर आलू का निर्यात हो जाए तो किसानों को भाव अच्छा मिल सकता है, तो क्या लगना सरकार को इस तरीके इस दिशा पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो ये सरकार के अपने निर्णय हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, आपने हमने गद्दी पे उनको बिठा दिया है, तो निर्णय हमारे आपके अनुरूप ही करेंगे। अगर हमारे देश के हित में होगा तो वो निर्णय लेंगे, अगर हमारे देश के विपरीत स्थिति में होगी तो निर्णय नहीं वही सरकार लेगी। अगर एक महात्मा के तौर पे अगर देखा जाए, आप एक संत भी हैं और योगी जी भी एक संत हैं, तो अगर संत की भावनाओं के तौर पे अगर देखा जाए, किसान इस समय तो बहुत खस्ता हाल स्थिति में है, तो इस चीज को अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से हमको तो लगता है कि निर्यात होना चाहिए आलू। देखो चढ़ाव उतार है, जीवन का क्रम है, ये हमारा किसान है या हम सब तो किसाने हैं, या 80% किसान भारत में रहता है, और 20% इसमें 10% मुश्किल से नौकरी वाला होगा, 15% मुश्किल व्यापार वाला, 75-80% व्यापारी चाहे वो कृषि पर ही आधारित। तो ये कृषि जो है हमारी प्रकृति पर आधारित, प्रकृति पर आधारित, वाले प्रभु प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रभु की रचना होगी बेटा वैसा होगा, इसमें और कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते। नाना प्रकार की सरकारें बहुत बड़ा परिवर्तन करती है तो ऐसा कोई संभव नहीं है, लेकिन सरकार जो अपने देश हित में, अपने जनता के हित में, और अपने जो जिसने सरकार बनाई है उसके हित में ही काम